सभी को नमस्कार। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं बायोट–सेवर्ट्स लॉ। सो ये बायोट–सेवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि MEIC चैप्टर का बहुत ही प्राइमरी लॉ है। वो क्या है उसके बारे में हम आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो ये जो पिंक कलर का आपको एक दिख रहा है, समझो वो एक कंडक्टर है एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ कंडक्टर, इट इज़ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो व्हाट इज़ I? I क्या है बताइए। I है करंट दैट इज़ पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर। इसका शेप एकदम रैंडम है। तो अभी MEIC यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये तो हमको पता है भाई, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड यानी B वो कितना होगा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो बायोट–सेवर्ट्स लॉ वो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए है कि भाई समझो एक इतना बड़ा आप करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हो, तो उस पर एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लो, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो और समझो ये पॉइंट है P। ये पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि कितना होगा। तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन सा पॉइंट है, P। तो हमको B कहाँ पर फाइंड करना है, ये B क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। B क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। और वो हमें कहाँ फाइंड करना है, पॉइंट P पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा वो बायोट–सेवर्ट्स लॉ से हमको पता चलता है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें एक छोटा एलिमेंट हमने लिया है DL। ये क्या है, DL। टोटल लेंथ L होगी लेकिन छोटी लेंथ क्या है, DL। और ये जो एलिमेंट है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट P। आई रिपीट, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट P इज़ थीटा। वो एंगल कितना है, थीटा। तो अभी बायोट–सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि ये पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B एट पॉइंट P कितनी होगी। तो उसका आंसर नीचे मिलेगा आपको बायोट–सेवर्ट्स लॉ। तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड और लेट्स से द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB। DB क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है DL। जब पूरी लेंथ कंसिडर करेंगे ना तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो DB का B हो जाएगा, सिंपल है। तो DB दैट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। भाई करंट जितना ज़्यादा होगा उस करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है, ये लेंथ कितनी है कंडक्टर की, कंडक्टर कितना लंबा है, कंडक्टर कितना बड़ा है। तो DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। मतलब फर्स्ट क्या हो गया, DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकंड हो गया DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। थर्ड क्या है भैया, थर्ड है DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी ज़रा ध्यान दो यहाँ पर, ये जो थीटा है ना वो थीटा क्या है, मैं और एक बार बता रहा हूँ, बार बार बताया है और एक बार बता रहा हूँ कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है द सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड द पॉइंट P, उसको एक ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है और ये जो लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है, ये जो एलिमेंट है और ये जो लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दैट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो वाला साइन है। तो DB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हो गया तीन स्टेप जहाँ पर तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी आपने ये क्यूरियोसिटी आई होगी शायद आपको कि ये जो सेंटर ऑफ द एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है P उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है R। वो डिस्टेंस क्या है, R। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं कि DB जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R²। मतलब जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना पास आओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसको। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ यू वांट, इसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो बात हो गई एक पर्टिकुलर पॉइंट वाइज मैग्नेटिक फील्ड की के 1 2 3 4, ये चार स्टेप हो गए। अब जब इसको कंबाइन करेंगे हम तब हमें क्या मिलेगा, वो हमें चेक करना है कि इसको जब कंबाइन करेंगे, सो कंबाइनिंग 1 2 3 4 dB इज प्रपोर्शनल टू I dl sin theta divided by r square. dB is proportional to I dl sin theta divided by r square. तो जब अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर जब हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी जाएगी और एक कांस्टेंट हमें मिलेगा. तो वो कांस्टेंट क्या है वो आप देख लो ज़रा, ठीक है ना. तो उस कांस्टेंट के बारे में अभी बात करते हैं कि वो कांस्टेंट क्या है. सो वो कांस्टेंट है म्यूनॉट बाई 4 पाई I dl sin theta डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. dB कितना आ गया? म्यूनॉट बाई 4 पाई I dl sin theta बाई r स्क्वायर, वेर म्यूनॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ये मैग्नेटिज्म टॉपिक में हमने देखा है, म्यूनॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और म्यूनॉट बाई 4 पाई जो है उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर. म्यूनॉट बाई 4 पाई कितना होता है? 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है. और यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, जो टेस्ला है ना वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर. टेस्ला क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर को WB से डिनोट किया है. ये है वेबर, यानी ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये सारी बातें हम अगले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भर्ती संजरी हरति लीलया. सर्वेभ्यः नमस्कारो हम अहमस्मि मंथन भट्टः. अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः. जब हमने 11th स्टैंडर्ड का MEIC स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब वो चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी स्टार्टेड फ्रॉम द कंसेप्ट के मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के कारण प्रोड्यूस होता है. हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, HC ऑरस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया. देन बायोट-सेवर्ट्स लॉ, दोनों ने मिलकर एक लॉ फॉर्मुलेट किया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin theta बाय r स्क्वायर. ये सारी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग, ये पूरा लॉ डिटेल में एक्सप्लेन किया है 11th स्टैंडर्ड के MEEC चैप्टर में. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th स्टैंडर्ड का MEEC, मतलब कि जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे बेस था सारी चीज़ें, वो डेरिवेशन सारे जो थे वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के थे. अभी 12th में जो सारे डेरिवेशन होंगे वो एम्पियर्स सर्किटल लॉ के होंगे, या तो एम्पियर्स लॉ के होंगे. हाँ, वही एम्पियर करंट का यूनिट जो एम्पियर है, ऐसा यूनिट वही एम्पियर जी है. यहाँ पर कि एम्पियर सर्किटल लॉ में एक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, लाइन इंटीग्रल ऑफ B बार डॉट DL बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट. I repeat, line integral of B bar dot DL bar is equals to mu naught times total current I in. आपको एक सजेशन है कि आप फर्स्ट लेक्चर के बाद जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो भी स्टार्टिंग की 5-6 मिनट देखिएगा, क्योंकि उसमें TNEI होता है गॉस लॉ में. टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ K एप्सिलॉन नॉट EDS cos थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q in. तो उसमें भी समेशन ऑफ चार्ज था, लेकिन इन वो सफिक्स था, इनसाइड एनक्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर वाला चार्ज. सिमिलरली यहां पर I इन है, समेशन ऑफ I है, उधर समेशन ऑफ Q था, इधर समेशन ऑफ I है, लेकिन सफिक्स है E इन. इन मतलब वो इनसाइड, वो जो क्लोज्ड सरफेस आप कंसिडर करेंगे, जिसे हम एम्पेरियन सर्किटल लूप कहेंगे या तो एम्पेरियन लूप कहेंगे. मतलब गॉस लॉ था, उसमें जो एनक्लोज्ड सरफेस थी उसे हमने गॉसियन सरफेस ऐसा नाम दिया था, ऐसी टर्मिनोलॉजी दी थी. तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ में, एम्पियर्स लॉ में जो भी हमें तीन एनालिसिस करना है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, विल डिस्कस दिस आफ्टर। तो उसमें जो हम इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, कोई भी कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आजू बाजू एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, उसे हम एम्पेरियन लूप ऐसा नाम देंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन लूप तो नहीं कह सकते लेकिन गॉसियन सरफेस, तो यहां पर होगा एम्पेरियन लूप। तो वापस आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला पे कि क्लोज इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल क्या है, ये मैंने गॉस लॉ में भी एक्सप्लेन किया है, वापस एक्सप्लेन करता हूं कि जो भी सरफेस है वो पूरा का पूरा क्लोज होना चाहिए, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो घुमा फिरा के कैसे भी रैंडम शेप हो, ये रेगुलर शेप हो तो बेहतर है, रैंडम शेप होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्त इतनी है कि कंडीशन इतनी है कि आप यहां से जो स्टार्ट कर रहे हैं यू मस्ट एंड, किधर भी घूम के आओ आप, कोई भी सरफेस बनाओ, लेकिन यू मस्ट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। हेंस दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट containing in that Amperian loop, closed Amperian loop, right? So mu naught क्या है ये तो हमें पता है, mu naught is permeability of free space 4 pi into 10 raised to minus 7 Weber per ampere meter। अभी इसके बारे में जानते हैं। B क्या है तो magnetic field produced due to electric current, electric current है, EMF होगा, electromotive force होगा, या तो कोई भी सोर्स होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये हमें क्वेश्चन मार्क है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये बायोट-सावर्ट लॉ से हमें उसका आंसर मिलता था 11th में, बीए 12th में जो कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका आंसर एम्पियर सर्किटल लॉ से मिलेगा। 3 डेरिवेशन है जिसमें हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, एम्पियर लॉ लगाना है। तो बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट को कंटेन कर रहा है अपने में, उसके कारण प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी। म्यू नॉट तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या है परमेबिलिटी 4 pi 10 raised to minus 7 वेबर पर एम्पियर मीटर। समेशन ऑफ आई इन, जो भी हम एम्पेरियन लूप बनाएंगे ये 3 एप्लीकेशन में अलग से वीडियोस होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 अलग वीडियो थे गॉस लॉ के, पहला था स्फीयर के लिए, दूसरा था इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर के लिए, थिन सिलेंडर के लिए, थर्ड था जस्ट आउटसाइड, और फोर्थ था मेटल शीट। ये बस बता रहा हूँ, आप रिलेट करिएगा तो आसान होगा। इधर 3 अलग अलग वीडियोज होंगे, पहला होगा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा होगा सोलेनॉइड, और तीसरा होगा टोरोइडल कॉयल, और तीनों में से करंट जा रहा है आई। तो आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है यूजिंग दिस। तो पहले इसको समझते हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार होता है ए बी कॉस थीटा, आई रिपीट ए बार डॉट बी बार होता है ए बी कॉस थीटा। तो बी बार डॉट डी एल बार क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनसाइड, मतलब जो भी एम्पेरियन लूप बनाएंगे उसके अंदर कितना टोटल करंट है वो। और अब हम जो इंटीग्रल करेंगे, b तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एट अ डिस्टेंस r, तो इंटीग्रल dl को करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं या तो बता दूं कि गॉस लॉ में हमने ds को इंटीग्रेशन किया था, वो इंटीग्रल जो था वो ds के साथ जुड़ता था, यहां पर ये dl के साथ जुड़ेगा। और थीटा क्या है वो मैं समझाता हूं, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर बी बार एंड डीएल बार। बी बार एक वेक्टर है और डीएल बार जो है जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में डीएल बार होगा, क्योंकि करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव, लेकिन वो तो जब ईएमएफ का सोर्स हो तभी। तो वो ईएमएफ का सोर्स क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर, नेगेटिव टर्मिनल कहां पर, ये पता चल गया तो आप एरो बता सकते हैं, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि भाई ये एरो है, ऐसे करंट जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है करंट के कारण। तो ये डीएल जो है एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन इंस्टेंट, करंट तो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, आप स्टॉप हो गए, स्टॉप, तो वो गिवन पॉइंट पे करंट कैसा है, सर्कुलर होगा, तो वो पॉइंट पे टेंजेंशियल डीएल ड्रॉ करेंगे। या तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो डीएल कैसे लिया जाता है, लेकिन ये डीएल जो है वो ऐसा वेक्टर है जो करंट के डायरेक्शन में होगा, अलोंग द करंट होगा एट अ गिवन पॉइंट। और बी बार इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो है ये तीनों डेरिवेशन में जीरो आने वाला है। गॉस लॉ में भी ऐसा ही था। थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ये जो दो वेक्टर है बी बार एंड डीएल बार, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। आप ये तीन अलग अलग सेपरेट वीडियो देखेंगे, फर्स्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि थीटा मेजर कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं और ये डीएल वेक्टर क्या होता है। तो मैं बस आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। दिस वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड। फर्स्ट वीडियो, इसके बाद का जो फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट डेरिवेशन जो करेंगे बी का, उसमें ही मैं एम्पेरियन लूप जब बनाऊंगा उसमें डीएल कैसे निकालते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, एंगल के थीटा कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। लेकिन अभी ये बता रहा हूं कि थीटा इज एंगल बिटवीन बी बार एंड डीएल बार, और वो सारे डेरिवेशन में एंगल बिटवीन बी बार एंड डीएल बार, लेकिन ये तीनों डेरिवेशन में थीटा जो है वो 0 डिग्री आने वाला है, इसलिए कॉस थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस 0 1 आ जाएगा। इसमें एक पार्ट होगा जिसमें थीटा 90 आए और वो पार्ट 0 हो जाएगा, बट जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तब उसके बारे में सोचेंगे, तब वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। फाइन। सो थीटा 0 कॉस थीटा 1 होगा। एम्पेरियन सर्किटल लॉ जो है वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई इन। थोड़ा डिफिकल्ट है, गॉस लॉ भी थोड़ा स्टेटमेंट डिफिकल्ट था, लेकिन जब एप्लीकेशन आएगा तब बहुत ही इजी हो जाएगा। हाँ, आपको याद रखना है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, और सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, ना तो गॉस लॉ का डेरिवेशन है ना तो एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला जरूर, जैसे फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो फॉर्मूला याद होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। तो तीन अलग से वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो होगा इसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा, मैं अभी से बता देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दूसरा वीडियो होगा सोलेनॉइड का, जिसमें बी का आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई। और तीसरा वीडियो होगा टोरॉइड का, जिसमें बी का आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई। और जैसे छोटी बच्ची का नाम होता है ना मुन्नी, तो वैसे याद रख सकते हैं आप, मुन्नी, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पर जो कैपिटल एन है वो भी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पर लेंथ होगी 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलेनॉइड के लिए मुन्नी, टॉरॉइड के लिए मुन्नी। सो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हियर ऑल्सो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन सर्कल है इसलिए सरकमफ्रेंस उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर लिखेंगे। और ऐसे MEIC में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे ईना, फिर है टीना, फिर है बीना, ये INA एरिया, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, फिर ये टॉर्क है, ये करंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये एरिया है, कि बीना साइन थीटा ऐसा एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है, फिर एम ईना होता है, फिर टीना, और ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज है। तो उसको हम आसानी से निमोनिक फॉर्म में या तो आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी क्या है वो मैंने हर एक इंडिविजुअल लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया है, आपके साथ हमने समझा है, उसको पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। But for a time being, focus on Ampere's circuital law, line integral of B bar dot DL bar is equals to mu naught times total current I. और अगले 3 लेक्चर में ये ऑर्डर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये इसका डेरिवेशन देखेंगे, बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योखिलं जगत चरीकर्ति बरीभर्ति संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारो मेहम् अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम् फिजिक्स पश्यामः। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, MEIC के स्टार्टिंग के सेशन में डिस्कस किया था। तब मैंने तीन डायग्राम साथ में बनाए थे, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन सोलेनॉइड एंड देन टोरॉइड, ऐसे तीन अलग अलग थे बरोबर। तो और मैंने बोला भी था कि वो जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, एम्पियर्स लॉ है लाइन इंटीग्रल ऑफ और क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनसाइड द एम्पेरियन लूप समेशन ऑफ आई एन, दिस इज व्हाट इट इज। तो उसका एप्लीकेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो डिराइव करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा था कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों के लिए होता है मुन्नी म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, वेयर हियर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, हियर आल्सो वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेयर लेंथ ऑफ द टोरॉइड इज 2 पाई आर, वेयर आर इज द मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। तो वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, सेकंड और थर्ड पार्ट, अभी फर्स्ट पार्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। वी नीड टू डिराइव बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये हमें डिराइव करना है। तो ये एक एम्पेरियन लूप बना दिया है मैंने। सबसे पहले तो क्या है ना, हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये तो ऑफ कोर्स फाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट्स से एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। अभी राइट हैंड थंब रूल हमें क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर करंट ऐसे जा रहा है सो थंब और फिंगर्स, सो अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो थंब अलॉन्ग द करंट जाएगा और फिंगर्स जो होगी वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा ना, ऐसे कि ये पॉइंट लिया तो इधर टेंजेंट, ये पॉइंट लिया तो इधर टेंजेंट, ये पॉइंट लिया तो इधर टेंजेंट, जैसे कि ये हो गया बराबर ना। कि अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जो इधर है वो तो अज्यूम कर रहे हो ना आप, तो वो समझते जाओ। ये अगर थंब है तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ऐसा सर्कुलर इमेजिनरी लूप बन जाएगा। ऐसा सर्कुलर जो इमेजिनरी लूप बन जाएगा वो ये रहा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो किधर होगा, इसको टेंजेंट ड्रॉ करो, ये पॉइंट पे निकालनी है उसको टेंजेंट ड्रॉ करो, ये पॉइंट पे निकालनी है उसको टेंजेंट ड्रॉ करो। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, हमने किया क्या है ना कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आजू बाजू एक एम्पेरियन लूप बना दिया, इमेजिनरी लूप बना दिया, जो एक्चुअली में नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन बना दिया है हमने वर्कआउट करने के लिए, उसे हम एम्पेरियन लूप कहते हैं। तो ये एम्पेरियन लूप सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बना दिया, करंट ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस पॉइंट पे मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यहां पर टेंजेंशियल होगी, तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप तो पूरा ऐसे लाइन बना दोगे, ये होगा टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो। देखो वापस, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है तो हमें ऐसा सर्कल मिल रहा है, लेकिन मेरी उंगलियां देखो, कर्ल्ड फिंगर, ये है राइट हैंड थंब रूल, इफ थंब रिप्रेजेंट करंट, कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये पॉइंट अगर लूं तो टेंजेंट अंदर होगी बराबर। तो ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी ये आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड, एम्पेरियन लूप बना दिया हमने सर्कल में, और ये पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो पी डिस्टेंस पर है, सॉरी पी डिस्टेंस पर नहीं, पॉइंट पी जो है सी से आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ड्यू टू दिस करंट, ड्यू टू इधर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट, पिक्चर समझ में आ रहा है ना। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन पता किया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जो इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, और ये एक इमेजिनरी सर्कल है जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्पेरियन लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्पेरियन लूप बोलेंगे। क्लियर है ना पिक्चर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एम्पेरियन लूप, ये पॉइंट पी पर डायरेक्शन पता करना था, कर दिया जो अंदर जा रहा है। हाँ सर ये तो बता दिया कि अलॉन्ग द टेंजेंट होगा, वो समझे, लेकिन अंदर जा रहा है, ये कैसे पता चला? देखो ऊपर है ना, तो ऐसा जा रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, तो कोई भी पॉइंट पे इधर टेंजेंट अंदर जाएगी, इधर बाहर आएगी। एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, अगर करंट जो है वो नीचे होता, करंट नीचे होता तो ऐसा ऐसा सर्कल बनता। तो ये पॉइंट अगर कंसिडर करता ना, करंट जब नीचे होता तब ऐसा होता, ऐसा घूमता, क्लॉकवाइज घूमता, तब ये पॉइंट पे बाहर आता टेंजेंट, तब ये पॉइंट पे टेंजेंट बाहर आता। लेकिन ऐसा केस है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा केस कैसा है? करंट ऊपर जा रहा है। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ये हमें मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे मिल सकता है बाय ड्रॉइंग टेंजेंट, बाय प्लॉटिंग टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप ड्रॉ करो तो अंदर जाएगा। तो थ्री डिमेंशनल पिक्चर कुछ ऐसा होगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये उसके सेंटर पर है, और ये जो है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। ये समझा? ये डायग्राम ये टू डिमेंशनल बोर्ड पे ये नहीं प्रेजेंट कर सकता, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एम्पेरियन लूप है, सर्कुलर इमेजिनरी लूप है, ये पॉइंट पी इज अ डिस्टेंस आर पे है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो इनसाइड है, टेंजेंशियली इनसाइड है। और उसी पॉइंट पे अगर छोटे 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 एलिमेंट कंसिडर किए, समझो यही कॉइल के छोटे 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 एलिमेंट कंसिडर किए जिसको हम डीएल बोले, तो वो डीएल वेक्टर किधर होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसे भी अगर कोई इमेजिनरी करंट दे दिया, ऐसा करंट जा रहा है, समझो ये इमेजिनरी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट पे वो डीएल वेक्टर भी अंदर के डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डीएल वेक्टर है, छोटा सा जो लेंथ कंसिडर किया है, बहुत छोटा सा यहाँ पर, वो भी कौन से डायरेक्शन में होगा? अंदर के डायरेक्शन में होगा। तो डीएल वेक्टर भी अंदर है, बी वेक्टर भी अंदर है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए एंगल थीटा 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा होता है एंगल बिटवीन दिस स्मॉल वेक्टर डीएल, और वो डीएल बार होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डीएल बार और बी बार दोनों पैरेलल है, थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने से कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू अंदर, ये लूप जो है उसके अंदर टोटल कितना करंट है? ये जो लूप है उसके अंदर टोटल कितना करंट पास हो रहा है? भाई ये लाल वाले कंडक्टर में से जितना हो रहा है उतना, तो उसमें से कितना हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। कितना हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। तो व्हाट इज आई इन, मतलब करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पेरियन लूप कितना है? आई। कितना? आई। सिंपल आ रहा है प्रोसेस समझ में? तो बी डी एल ये तो 1 हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। भाई बी तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि आई कांस्टेंट है और ये सर्कल है ना, तो सर्कल की रेडियस ना कांस्टेंट होती है, मतलब सेम होती है ना हर जगह पे, कोई भी लो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस सेम है। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हमने सेंटर पे रखा है, तो पॉइंट कोई भी लो, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा बी का। तो सर चेंज किस में होगा? डिफरेंट क्या होगा? डायरेक्शन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, इधर अंदर, इधर बाहर, इधर इस पॉइंट पे, इधर इस साइड पे, तो वो जो टेंजेंट्स होगी तो डायरेक्शन अलग होगा, क्योंकि बी वेक्टर है, डायरेक्शन बदला तो बी भी बदलेगा। तो ये बी मैग्नीट्यूड सेम है, तो बी को बाहर निकाल देते हैं, और क्लोज इंटीग्रल किसका करेंगे? डीएल का, म्यू नॉट इंटू आई। अभी जब हमने स्मॉल इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल डीएल का जो है वो ऐसा स्मॉल पार्ट लिया था, डीएल 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 डीएल, ऐसे इनफाइनाइट डीएल 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 जब लेते जाएंगे, छोटा 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 पाथ, और सबको जोड़ देंगे तो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसका सर्कम्फ्रेंस होता है 2πr, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2πr, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट एम्पेरियन लूप, इमेजिनरी एम्पेरियन लूप, ये b है, is equals to mu naught times I, and we wanted the magnitude of B. It means the magnitude of magnetic field due to infinitely long current carrying conductor at a distance of r from that point, and that magnitude is nothing but mu naught I by 2 pi r. So that's it. This is what we wanted. So क्या हो जाएगा magnitude of magnetic field due to infinitely long straight current carrying conductor, जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट P, ये पॉइंट P है, उससे r डिस्टेंस पर है, तो ये r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 pi r. करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा. ये तो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. हाँ, लेकिन डिस्टेंस जितना कम मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा. B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. हियर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो ऑफकोर्स वो जो इफेक्ट है कम होता जाएगा और धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद एम्पियर्स सर्किटल लॉ. सेकेंड है सोलेनॉइड और थर्ड है टोरॉइड. उसके लिए भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. उसमें भी थीटा 0 होगा, 90 होगा, क्या होगा देखते हैं. तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया. सर्वेभ्यः नमस्कारो मेहम अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः. सो पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, राइट? और वो कितना था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. अगर नहीं देखा है तो उसे देखो, उसे देखकर रिवाइज करो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेंगे तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब. सो दिस वाज द डेरिवेशन म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. वो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए था. अभी कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हम वाउंडिंग कर रहे हैं. वाउंडिंग यानी घुमा रहे हैं कॉइल को. कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर को घुमा रहे हैं. एन टर्न्स है, एन टर्न्स मतलब एक सिंगल सर्कुलर लूप होगा तो वो होगा 1 टर्न, TURN. लेकिन वो ऐसे 10 बार, 15 बार, 40 बार, 200 बार, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं. कॉइल में, पंखे में और ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो बहुत माइन्यूट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डिवाइस माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं. 5000 टर्न्स, 2000 टर्न्स, ऐसे बहुत सारे वाउंडिंग्स होते हैं कॉपर के. ठीक है. तो वैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में अगर आप देखेंगे अंदर तो आपको मिलेंगे, जनरली कॉपर ही होता है, ऑरेंज कलर का होता है. कोई थिन वायर होगा, कोई थिक होगा, लेकिन मोस्टली कॉपर मैंने देखा है. अगर आपको कोई दूसरा वायर पता चले तो बताइएगा, बट मोस्टली जनरली कॉपर यूज करते हैं. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. तो वो सोलेनॉइड है कि समझो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हम वाउंडिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. सो नाउ वी हैव अ सोलेनॉइड इन फ्रंट ऑफ अस. सो दिस इज द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड. मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो इतनी लेंथ का है, L मीटर का है. उसके ऊपर हमने यहाँ से शुरू किया और ऐसे वाउंडिंग करते गए और वाउंडिंग करते गए और बाहर निकाल दिया. यहाँ से करंट आई जा रहा है बाय सम एक्सटर्नल सोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड हो रहा है इसको और आई करंट जा रहा है. और वो आई करंट कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा. एक टर्न में से कितना करंट जाएगा, आई. एक टर्न में से कितना करंट जाएगा, आई. लेकिन वो पूरा होने तक कब तक घूमेगा, आई. 2i 3i 4i, ऐसे जितने टर्न्स होंगे उतने बार वो करंट प्रोड्यूस होगा. मतलब n into i, where n is equal to number of turns. और यहां पर हमने एम्पेरियन लूप जो बनाया है वो रेक्टेंगल बनाया है. ये जो है, ये हमारा एम्पेरियन लूप है. ये जो येलो डॉट लाइन देख रहे हैं ना, PQRS, ये क्लोज एम्पेरियन लूप है. PQRSP, ये क्लोज्ड एक एम्पेरियन लूप है. ये जो येलो डॉट से रेक्टेंगल बनाया है वो. तो नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन। अभी इसका मतलब और महत्व समझेगा कि आई इन क्यों बोलते हैं, इनसाइड क्यों बोलते हैं, गेटिंग इट। सो एंड ये बी बार डॉट डीएल बार जो है वो क्लोज इंटीग्रल है, बरोबर। अभी हमने एम्पेरियन लूप किसको कंसिडर किया है, ये पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी, इसको हमने क्लोज एम्पेरियन लूप कंसिडर किया है, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा बी और डीएल के बीच में। अभी बी में आपको बता दूं कि देखो बहुत सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल है। पिछले लेक्चर में हमने जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डिराइव कर रहे थे तब मैंने राइट हैंड थंब रूल समझाया था कि अगर थंब करंट रिप्रेजेंट करता है तो कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अगर कर्ल्ड फिंगर करंट रिप्रेजेंट करता है, कर्ल्ड फिंगर करंट रिप्रेजेंट करती है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली इधर देखो करंट देखो कैसा आ रहा है, ऐसा ऐसा अपने सामने कॉइल अज्यूम करो, ऐसा कॉइल है और करंट कैसा आ रहा है आपके सामने, ऐसा ऐसा आ रहा है ना, आपकी तरफ आ रहा है एरो। तो अगर यहां पर मैं कर्ल्ड फिंगर करूं ऐसे 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 ऐसे, जो करंट है उसमें अगर मैं ऐसे कर्ल्ड फिंगर करूं तो थंब आएगा राइट साइड, आप जो देख रहे हैं ऐसे, आपके मेरे भी राइट साइड ऐसे अगर देखे तो, और आप जो व्यूअर्स है, आप जो स्टूडेंट्स है, आपके भी राइट साइड। तो अगर ऐसा करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी बार, वो मैंने बताया है, विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये मैंने बता दिया है। अब ये जो LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ना, एम्पियर लॉ की, एम्पियर सर्किटल लॉ की बी बार डॉट डीएल बार, उसको स्प्लिट करते हैं चार पार्ट में, P से Q, Q से R, R से S और S से P में, ऐसे चार पार्ट में स्प्लिट करते हैं। सो ये क्लोज इंटीग्रल हो गया P टू Q, Q टू R, R टू S और S टू P, और चार पार्ट में स्प्लिट अप तो कर दिया और बाद में जोड़ दिया, मतलब ऐड कर दिया, पर्पसली हमने किया है ताकि वो आसान हो जाए, कैलकुलेशंस आसान हो जाए जो भी हमें एनालिसिस करना है। और आरएचएस में देखो, आरएचएस में म्यू नॉट है, भी आई इन कितना होगा ये मैंने बताया, दोहराता हूं कि एक कॉइल में एक टर्न में कितना करंट है भाई आई, तो ऐसे एक दो तीन ऐसे एन टर्न्स होंगे तो कितना करंट जाएगा, ये क्यू आर एस जो है कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, आई इन कितना है, एन इंटू आई, कितना है एन इंटू आई। जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात की थी और आजू बाजू जो लूप था एम्पेरियन लूप, वो एक ही करंट कंसिडर कर रहा था, एक ही करंट कंटेन कर रहा था, वो जो था आई। इसमें जो है वो n इंटू आई हो गया, मतलब एक टर्न में से कितना जा रहा है आई, तो ऐसे n टर्न्स में से कितना जाएगा एन आई। मैग्नेटिक फील्ड है इस बाजू, जो ऑरेंज पिंक चौक से रिप्रेजेंट की है, निर्देशित की है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बाजू है। फिर छोटा छोटा लाइन इंटीग्रल भी लेना पड़ेगा ना, ये डीएल तो ले लेते हैं, एक डीएल ये बाजू ले लेते हैं, ये डीएल, और वो किधर होगा अलॉन्ग द P टू Q, Q टू R, जो पाथ हम ट्रावर्स कर रहे हैं, ट्रावेल कर रहे हैं, तो उस पाथ के अलॉन्ग होगा। तो ये हो गया DL किसका, P टू Q, ये हो गया Q टू R, तो उसका एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, ये हो गया किसके लिए Q टू R, इसके लिए ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा R टू S, छोटा छोटा एलिमेंट ले रहा ना, ये DL 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 DL, इधर भी एक ले लेते हैं एलिमेंट S टू R, और b बार डॉट dl बार होता है बी डी एल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट, तो b dl कॉस थीटा, चार अलग अलग है, p टू q, q टू r, r टू s, s टू p, अलग अलग एनालिसिस करते हैं, सिंपल हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा, है तो सिंपल ही। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस, और p टू q जब जाना है पहला एक दो तीन चार में जो पहला है उसके लिए b, और ये क्या है dl, मतलब डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो। थीटा अगर जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है सिर्फ इतना बच जाएगा, बी इंटू डीएल कॉस जीरो कितना हो गया, वन, और ये कहां से कहां के लिए, पी से क्यू के लिए, ऐसा मिल गया। वापस बताता हूं, सिंपल है, एक दो तीन चार, चार पार्ट में स्प्लिट किया, किसको, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एलएचएस को, आरएचएस है उधर, आई इन जो है उसको एन इंटू आई लिखा, क्योंकि एक टर्न में से करंट जा रहा है आई, तो n टर्न्स में से कितने करंट जाएंगे, ni, टोटल कितना करंट जाएगा n into i, और वो इसीलिए सफिक्स इन लिखा होता है। गॉस लॉ में भी हम q इन लिखते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज एनक्लोज करता है। सिमिलरली ये जो एम्पेरियन लूप बनाया है PQRSP, क्लोज्ड रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप, इमेजिनरी है, वो कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, तो n into i एनक्लोज कर रहा है। ये होता है मीनिंग, ये n इन जो है उस सफिक्स का। फिर हमने चार पार्ट में स्प्लिट कर दिया, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, सिंप्लीफाई हो जाए इसलिए। यहां पर एंगल निकाल दिया, जब पी क्यू फर्स्ट जा रहे थे पी से क्यू, तो पी क्यू की तरफ ये डी एल बार इधर, बी बार इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 cos 0 1, बच गया बी इंटू डी एल। दूसरे पे जाते हैं, दूसरा डी एल वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही होगी भाई, सोलेनॉइड एक ही है, वाउंडिंग्स इधर ही की है, आप किधर भी जाओ, आप किधर भी घूमो, कोई भी इमेजिनरी सरफेस बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड तो अलॉन्ग एक्सिस ही होने वाली है। तो यहां पर जब स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड बी बार और ये डीएल बार, ये जो डीएल बार ऊपर के डायरेक्शन में है क्यू टू आर, ये दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, और थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो क्या ऐड करेंगे, बस 0 ऐड करेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड की एक्सिस पे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो डिमिनिश होते जाएगी, वो उसका रीजन जो है, उसकी रेंज जो है मैग्नेटिक फील्ड की, वहां पर नहीं होगी, उसका कुछ पर्टिकुलर रेंज होता है ना, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो इसका भी कुछ रेंज होगा, एक्सिस से बहुत दूर जाओगे 500 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर तो नहीं, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट होगा। और ऐसे भी अगर जाओगे तो अगर बहुत ही दूर चले गए तो ये एस आर 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 एस जो है आर टू एस वो बहुत ही दूर है ये एक्सिस से, तो उधर ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी निग्लेक्टेड, ऑलमोस्ट वहां पर 0 होगा। तो इसीलिए R2S जब जा रहा है उसको भी निग्लेक्ट कर रहा है, ये DL और B के चक्कर में मत पड़ो कि कितना है एंगल, जाने दो, वो बहुत ही दूर है, पर्पसली उसको दूर बनाया है। नजदीक बनाते तो वो एक्सिस के जितना ही होता, ये पूरे रीजन में, ये भी एक्सियल पार्ट, ये भी एक्सियल पार्ट है, इसलिए दूर बनाया ताकि ये पार्ट को एम्पियरियन लूप में बी बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, निग्लेक्ट कर दे। ये हो गया दूसरा एनालिसिस, ये हो गया, ये हो गया, ये तो हो ही गया, लिखा मैंने। अब इसकी बारी S2P आ रहा है, नीचे आ रहे हैं, तो ये हो गया भाई क्या हो गया, DL हो गया, और B तो इधर है, हॉरिजॉन्टल है, अलोंग द एक्सिस है, इधर भी दिख रहा है क्लियर। थीटा कितना, 90, परपेंडिकुलर है, cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी हो गया 0। तो भाई 1 2 3 4 टर्म थे, बचे एक। आप बोलेंगे इधर भी 1 2 3 4, हाँ 4 टर्म है, लेकिन ये 0 0 0, फाइनल तो 0 ही आना है, तो बस एक ही टर्म बच गया, P से Q, B इंटू डी एल अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। और RHS में लिखेंगे म्यू नॉट एन आई। बस अभी बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था लेकिन हमने सिंप्लीफाई कर दिया और अभी बहुत ही सिंपल हो गया, एक ही टर्म दिख रही है। B को बाहर निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल करेंगे, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज इक्वल्स टू करंट, जो इनपुट करंट है वही आउटपुट करंट आया बाहर, और नंबर ऑफ टर्न्स, हर एक टर्न्स में से वही आई करंट जाएगा। अभी डीएल जो है वो कहां से कहां के लिए लेंगे, पी से क्यू के लिए। अभी जो छोटा एलिमेंट बनाया था हमने, ये जो छोटा एलिमेंट बनाया था डीएल 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 ऐसे, उस सबको अगर जोड़ दे, इंटीग्रेशन कर दे, तो आएगा कितना, जो ये लेंथ है उतना आएगा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड की जितना आएगा, बरोबर ना। जब आप छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ते जाएंगे तो ये लेंथ है उतना आएगा, ठीक है। तो ये डीएल की जगह पर हम लिखेंगे बी इंटू कैपिटल एल, जो कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। हमको तो बी चाहिए, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल। इसको हम लिखेंगे मुन्नी, म्यू नॉट एन आई, क्या लिखेंगे, मुन्नी म्यू नॉट एन आई। और जो थर्ड होगा ना, टोरॉइड, उसका भी यही एक्सप्रेशन आएगा मुन्नी म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान में रखो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रेफर करोगे बोर्ड के HSC के लिए तो उसमें सब उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा यानी इधर उन्होंने स्मॉल एन लिखा है इधर कैपिटल एन लिखा है। मैं वो फॉलो नहीं कर रहा, मैं वो फॉलो कर रहा हूं जो पूरे फिजिक्स में हम जनरली करते हैं। ये चैप्टर के लिए अलग ऐसा नहीं, कोई भी चैप्टर हो हम स्टार्टिंग से स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज करते हैं। जनरली यही किया है सब लेक्चर में। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो इधर भी मैंने वही रखा है और कैपिटल एन को लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैंने समझा दिया टर्मिनोलॉजी क्या है। फिर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, इधर कैपिटल एन लिख के इधर स्मॉल एन लिखो के जो लिया है उसके हिसाब से चलो। इधर स्मॉल एन लिख के इधर कैपिटल एन लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस बता दो कि ये है क्या। इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी लिखो, बस बता दो कि जो स्पेसिफाई है वो मैंने जो सिंबल यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है। एन टर्न्स की जगह पे लिखते हैं अल्फा टर्न्स बीटा टर्न्स कॉन्स्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो, यू हैव लिबर्टी। बट जनरली जो प्रोसेस है उस हिसाब से जाते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाती है चीजें, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक का और ये अलग है लेकिन गलत नहीं है, समझे बात। ये एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है और ये कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। टर्मिनोलॉजी को समझो सही से। एन टर्न्स, एल इज अ लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कैपिटल एन, दैट इज म्यू नॉट कैपिटल एन आई मुन्नी। यह है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। और टोरॉइड का भी जो एक्सप्रेशन होगा वो भी यही होगा। उसका भी एनालिसिस इसी से स्टार्ट करेंगे, एम्पियर्स लॉ से। उसमें भी एम्पेरियन लूप बनाएंगे लेकिन कैसे करेंगे वो अगले लेक्चर में देखते हैं। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरती लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारो मेहम अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। पिछले बहुत सारे सेशंस में स्टार्टिंग में तो हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है ये जाना। उसके बाद में जो तीन एप्लीकेशन है, फर्स्ट है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो देखा। सेकेंडली प्रीवियस सेशन में क्या देखा के सोलेनॉइड है, एक कंडक्टर है उस पर कॉपर वायर की वाउंडिंग्स की गई है, वो सोलेनॉइड है वो देखा। और अभी थर्ड जो है वो देखने वाला है टोरॉइड, कि वो जो कंडक्टर है उसको आप सर्कुलर फॉर्म में ऐसे घुमा दो। कोई भी एक वायर है उसको आप सर्कल में घुमा सकते हो ना, बराबर। तो उसको वो जो समझो ये टोरॉइड है, ये कंडक्टर है, इधर आपने ऐसे वाउंडिंग्स की है बहुत सारी, ठीक है। तो उन सारी वाउंडिंग्स करने के बाद उसको ऐसे घुमा दिया, या तो कोई एक हॉलो कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, आयरन का हो सकता है। लेट्स आयरन का है क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें स्टोर हो सकता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो लेट्स आयरन है, हॉलो आयरन का ऐसा एक रॉड है हमारे पास, बहुत ही नैरो है। उसको हम हाथों से नहीं लेकिन समझो कोई मशीन से या तो किसी से उसको बैंड करते हैं, उसको सर्कुलर फॉर्म में ला लेते हैं और सर्कुलर फॉर्म में उसको क्लोज्ड करने के बाद उसके ऊपर कॉपर की वाउंडिंग्स करते हैं। और कॉपर की वाउंडिंग्स करने के बाद एक छेड़ा इधर और एक छेड़ा इधर, मतलब एक दो फ्री टर्मिनल होंगे ना, उसके दो फ्री एंड्स होंगे वायर के, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। तो कुछ वो ऐसा दिखेगा कि भाई ये व्हाइट वाला जो है ये इनर और ये आउटर, ये कोई हॉलो जो भी डॉगनट है या तो आयरन का मटेरियल का जो बना हुआ है उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बैंड कर दिया है, सर्कुलर फॉर्म में उसे ज्वाइन कर दिया है बैंड करके कोई भी पर्पज से। एक रॉड है आयरन का, उसको बैंड किया और हैमर किया, जो भी किया, ब्लैक स्मिथ ने जो भी किया, लोहार ने जो भी किया, उसको ऐसा गोल बना दिया और फिर उसके ऊपर ऐसे वाउंडिंग्स की, बहुत सारी वाउंडिंग्स की। किसकी वाउंडिंग्स की? कॉपर कि वायर की वाउंडिंग की। कितने टर्न की? एन टर्न की। जैसे सोलेनॉइड में किया था ना वैसे ही। तो ये बन गया हमारा टोरॉइड, कि भाई एक सर्कुलर कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हमने कंडक्टिंग मटेरियल की वाउंडिंग की है, कॉपर की वाउंडिंग की है, एन टर्न्स की वाउंडिंग की है, और एम्पेरियन लूप हम इधर कंसिडर कर रहे हैं। ये जो इनर रेडियस होगा R1, आउटर रेडियस होगा R2, तो दोनों का जो मीन रेडियस है, सो R इज द मीन रेडियस, मतलब एम्पेरियन लूप का रेडियस। तो ये जो येलो 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 डॉट दिख रहा है ना आपको, वो है एम्पेरियन लूप। ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है एम्पेरियन लूप। ठीक है, अभी हमें पता है कि इन एम्पियर्स सर्किटल लॉ, उसका फॉर्मूला क्या है? रिपीट करता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ या तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इन द एम्पियर्स लूप या तो एम्पेरियन लूप। तो ये जो एम्पेरियन लूप बनाया हमने, डॉटेड लाइन से जो एम्पेरियन लूप है, उसमें कितने टर्न्स है भाई? एन टर्न्स है। कितना करंट इनपुट है? आई करंट जा रहा है। तो ये एक वाउंडिंग में से, मतलब एक टर्न में से कितना करंट जाएगा? आई करंट जाएगा। दूसरे में से आई, तीसरे में से आई, चौथे में से आई, ऐसे सब में से आई करंट जाते 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 आउटपुट मतलब बाहर भी आई करंट आएगा। टोटल करंट है एन और हर एक में से कितना करंट जा रहा है? आई। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इनसाइड द एम्पेरियन लूप? n इंटू आई, क्योंकि n टर्न्स है, वो n बार पसार होगा, n बार पास होगा थ्रू दैट एम्पेरियन लूप। वो एम्पेरियन लूप जो एनक्लोज्ड कर रहा है ना इतने सारे टर्न्स को, जैसे सोलेनॉइड में भी हमने n से मल्टीप्लाई किया था i को, नंबर ऑफ टर्न्स से, जो ऐसे 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 घूम रहा था। ये खाली सर्कुलर फॉर्म में है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत सारे करंट्स जो है वो सारे टर्न्स में से जाएंगे, हर एक टर्न्स में से i करंट जाएगा, और टोटल कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है। सो टोटल कितना हो जाएगा? एन इंटू आई। तो ये आई इन जो है उधर लिखेंगे एन इंटू आई, एज सिंपल एज दैट। इज इट? यस इट इज, बहुत सिंपल है। अभी इसमें देखो, ये बी बार डॉट डी एल बार है। अभी तो पहले दो एप्लीकेशन कर दिए, इसलिए शायद ये थोड़ा इजियर हो गया होगा कि आपको ये पहले तो एम्पियर्स लॉ समझाया, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, ये तो थर्ड बार कर रहे हैं ना, तभी यूज टू हो गए होंगे कि बी बार डॉट डी एल बार है, उसको क्या लिखेंगे? पी बार डॉट क्यू बार को लिखते हैं पी क्यू कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वैसे ही ये बी बार डॉट डी एल बार को लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा, और ये क्लोज इंटीग्रल तो रहेगा ही। अभी थीटा जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन बी बार एंड डी एल बार। डी एल बार एक स्मॉल एलिमेंट है। अभी कोई भी ये ले लो, ये लूप ले लो, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे, फिर वापस कंटिन्यू है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे कंटिन्यू होते ही जाएगा ना। इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो सर्कुलर लूप है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। किधर होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। और अगर हमें डीएल लेना है तो डीएल ये रहा, तो डीएल भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर, मतलब अलोंग द एक्सिस। मतलब ये जो बी बार है और डीएल बार है दोनों सेम डायरेक्शन में है। अरे लेकिन सर ये तो इस कॉइल के लिए सेम डायरेक्शन में है ना। मैं वापस समझाता हूँ। देखो, यहां से करंट अंदर गया, ये घूम के आया, इधर भी घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा और बाहर निकलेगा। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर अंदर, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा आया, तो हमने रैंडमली इसको कंसिडर किया है। तो ये जो करंट है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमें क्या मिलती है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो ये जो वाउंडिंग किया है हमने, इसको 3 डिमेंशनल पिक्चर में देखो। ये तो 2 डिमेंशनल बोर्ड है और ऐसा आपको डायग्राम दिख रहा है। 3 डिमेंशनल पिक्चर में देखेंगे तो वो सर्कुलर वाउंडिंग्स जो है, हर एक के ऊपर कर्ल्ड फिंगर लगाई तो अंगूठा किधर जाएगा? उसके एक्सिस के अलोंग जाएगा, और वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। ये हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया है। तो इसमें अगर ऐसा करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस जाएगी, ऊपर जाएगी हमारे डायरेक्शन के हिसाब से। और डीएल बार भी हम ऊपर लेते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हो गया डीएल बार स्मॉल एलिमेंट, और ये होगा बी बार, तो और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा हो गया 0, थीटा हो गया 0, तो cos 0 हो गया 1, तो बचा क्या? b dl mu not n i, सिंपल। अभी आप करेंगे, ठीक है सर आपने समझा दिया, समझ गया, लेकिन ये तो इसके लिए थीटा 0 हुआ ना, चलो ये कंसिडर करो। अरे कोई भी कंसिडर करो। देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमते 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 घूमते, चलो यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, ऐसे घूमते घूमते घूमते, और फिर बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा बाहर निकलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। इधर देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस अलोंग द एक्सिस आएगी, ये जो एक्सिस है वो एक्सिस के अलोंग आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बी, और डीएल जो है वो इधर ले लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको मैं डीएल ले लेता हूं। तो इधर भी डीएल बार और बी बार सेम डायरेक्शन में है। ऐसा कोई भी कॉइल लो, क्योंकि एक जो सर्कल होता है उसका छोटा पार्ट लोगे ना आप, तो छोटा पार्ट अगर जो टेंजेंट है और वो डीएल है वो सेम डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि छोटा पार्ट हमेशा वो टेंजेंट ले सकते हैं ना, उसको ये बड़ा सा टेंजेंट ड्रॉ किया है। लेकिन हम तो इतना ही पार्ट कंसिडर कर रहे हैं जिसको डीएल बोल रहे हैं, और ये जब डीएल 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 ऐड करेंगे सबको तो बन जाएगा 2πr सर्कल। ये जो स्मॉल 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 एलिमेंट ले रहे हैं ना हम, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट, ऐसा अगर क्लोज इंटीग्रल कर दिया तो कितना हो जाएगा 2πr, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में किया था, क्लोज्ड लूप में किया था, समझे। वही अप्लाई करना है इधर, जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो क्लोज एम्पेरियन लूप बनाया था ना फर्स्ट एप्लीकेशन में, वही अप्लाई करना है इधर, वही कंसेप्ट अप्लाई करके थीटा आ गया 0। ठीक है, अगर नहीं समझता है तो वो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें एम्पेरियन लूप हमने सर्कल बनाया था। मेरा डायग्राम भी एरो लिए थे प्लास्टिक के, ग्रीन कलर का रेड कलर का एक रिंग ली थी, वो एकदम डिटेल में समझाया था उसमें, तो वो देखना आप फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसमें इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। और डीएल का ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, स्मॉल डीएल, ऐसे स्मॉल डीएल 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 कंसिडर करेंगे, पूरा क्लोज कंसिडर करेंगे, क्लोज लूप कंसिडर करेंगे, क्लोज इंटीग्रल करेंगे, तो बन जाएगा 2πr। क्या बन जाएगा भाई 2πr, और ये हो गया बी, ये हो गया म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट थ्रू ईच टर्न, मतलब टोटल ये ऐसा करंट। अभी 2πr को नीचे भेजो, बी हो जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2πr, इसको मैं लिखता हूं मुन्नी, म्यू नॉट ni कैपिटल N लिखता हूं, क्या लिखता हूं कैपिटल N लिखता हूं, सोलेनॉइड में भी कैपिटल N लिखा था। मैं बता रहा हूं N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और कैपिटल N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टेक्स्ट बुक में टर्मिनोलॉजी उल्टा है, मतलब सिंबल उन्होंने N कैपिटल N को अलग बोला है, उन्होंने कैपिटल N को नंबर ऑफ टर्न्स बोला है और स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला है। टेक्स्ट बुक में क्या है वो भी मैं बता रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूं, तो गलत कुछ नहीं है, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी हमने अलग यूज की है। हमने अलग यूज नहीं की, टेक्स्ट बुक वालों ने अलग यूज की है, क्योंकि हम तो वही जो भी चैप्टर्स स्टार्टिंग से आ रहे हैं स्मॉल n से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टर्न्स के लिए, तो हम चेंज नहीं करेंगे, हम वही रख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए स्मॉल n स्मॉल n स्मॉल n विच इज n नंबर ऑफ टर्न्स जो है उससे मल्टीप्लाई किया, और नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n डिवाइडेड बाय लेंथ, यही है ना लेंथ सर्कल की, तो स्मॉल n जो है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, तो एक बार फिर से बहुत जल्दी शॉर्ट में, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ या तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल करंट आई समेशन ऑफ आई इन इनसाइड। टोरोइडल है, ऐसा टोरोइड है कि स्ट्रेट आयरन बार है उसको सर्कल फॉर्म में कर दिया, कॉपर के वाउंडिंग्स लगा दिए, एन टर्न्स लगा दिए, आई करंट जा रहा है, वही आई करंट वापस आएगा। ऑफ कोर्स एक टर्न्स में से कितना करंट भाई आई, तो ऐसे कितने टर्न्स है n टर्न्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे करंट ni करंट हो जाएगा, तो आई इन को लिखेंगे ni, where n is equals to number of turns, so RHS becomes mu naught into ni. In LHS the dot product of two vector b bar dot dl bar becomes b dl cos theta, but theta is 0, we discussed in detail, उसको वापस नहीं बताता हूं डिटेल में, थीटा 0 कैसे आया वो हमने डिस्कस कर लिया है, थीटा 0 आया तो cos 0 1 हो गया, b into dl, b को बाहर निकाल दो, मैग्नीट्यूड सेम है हर एक के लिए, वही करंट जा रहा है, तो इंटीग्रल किसका करेंगे डीएल का करेंगे, तो हो गया b इंटू 2πr। 2πr को नीचे भेजो, म्यू नॉट ni अपॉन 2πr, स्मॉल n अपॉन 2πr को लिखो, कैपिटल N हो गया मुन्नी। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2πr, और इधर है म्यू नॉट ni अपॉन 2πr, उतना ही फर्क है, बस n टर्न्स का फर्क है। ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एम्पियर लॉ लगा के क्या मिला था, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सोलेनॉइड मुन्नी म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई वेर कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। And third, toroid, munni, mu naught, capital N into I, where capital N is equal to number of turns per unit length, number of turns upon 2 pi r, where 2 pi r is the length of a toroid. Fine. So, revise करते जाओ, बहुत ही simple है, same steps follow हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा ही है, गॉस लॉ एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उसके बाद 1, 2, 3, 4 एप्लीकेशन है, वही स्टेप्स फॉलो होते हैं। उसमें भी थीटा 0 होता है चारों केस में, ये मैंने वो चैप्टर में बताया है, तो वो भी रेफर करिए। बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तैयारी करिए, ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये कौन सा वायर कहाँ पर अटैच करना है, ये वाइट टर्मिनल, ये दूसरा कौन सा वायर कहाँ पर अटैच करना ना, ये कॉलेज तक कभी समझा ही नहीं मुझे। ये यहाँ पर जोड़ेंगे, ये यहाँ पर जोड़ेंगे ऐसा, और कुछ करंट मेजर होगा। सच में कॉलेज में समझा ही नहीं, आपको भी नहीं समझ रहा है क्या? चलो आ जाओ, समझाता हूँ आपको। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदे हम योखिलम जगत चरी करती बरी भर्ती संजरी हरती लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारो में हम अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। तो ये एक एमीटर है जिससे हम करंट मेजर करते हैं, ये मिली एमीटर है। इसका कुछ ऐसे भी प्लेट हो सकता है, मिली एमीटर का कुछ एक दूसरा एमीटर था उसमें से निकाला हुआ है, तो ये एमीटर है। लेकिन इसके अंदर जो इक्विपमेंट है, इसके अंदर की बात अगर देखें, इसको जूम करके अगर देखें, इफ दिस इज मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, एमीटर कुछ भी हो सकता है। सो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, MCG, ये G यानी गैल्वेनोमीटर। तो भैया जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेंज बहुत कम होती है, करंट मेजर करने की, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की रेंज बहुत कम होती है, बहुत ही एकदम नाजुक सा, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम करंट जा सकता है IG। कितना करंट जा सकता है? I सफिक्स G, IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ऐसा कहेंगे न्यूमेरिकल में। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज IG, मतलब ये स्केल यहां पर थी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहां से यहां तक पूरा स्केल डिफ्लेक्ट हो गया, बस उतनी ही उसकी रेंज, उससे आगे उससे ज्यादा गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर सकता। लेकिन तो आगे की मेजरमेंट होगी ही नहीं, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, बस। 3 मिली एम्पियर मेजर करना हो तो, 10 मिली एम्पियर मेजर करना हो तो, 4.2 एम्पियर मेजर करना हो तो, 10 एम्पियर मेजर करना हो तो रेंज कैसे बढ़ा है? एक बड़ा आसान सा तरीका है, देखो, दिस इज द टोटल करंट I, और जो करंट आएगा वही करंट जाएगा, सिंपल। करंट इन इज इक्वल्स टू करंट आउट। सो I इज द टोटल करंट जो आ रहा है, लेकिन वो ये I बहुत ज्यादा है, I इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IG। लेकिन ये ना डरता है, ये बहुत ही नाजुक है कि भाई मैं जल गया तो, क्योंकि I²RT ये हीट होता है, तो I²RT हीट के कारण अगर ये जल गया तो क्या करता है ना, इधर हम एक उसको दोस्त लगा देते हैं, उसका S, जिसका रेजिस्टेंस क्या है S, और उसको हम कहेंगे शंट। S इज इक्वल्स टू शंट रेजिस्टेंस, एंड शंट रेजिस्टेंस इसका दोस्त है, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है, S is very 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 less than G, तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा है रिलेटिवली, G ज्यादा है ना S से, तो G रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब ये कांटे वाला रास्ता है, और S का रेजिस्टेंस रिलेटिवली बहुत कम है, मतलब ये फूल वाला रास्ता है। तो करंट जो है वो कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा? फूल वाला रास्ता, फूल वाला रास्ता यानी रिलेटिवली कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता। तो ये किर्चॉफ करंट लॉ के हिसाब से करंट स्प्लिट होगा, ये टोटल करंट I है, कुछ पार्ट जाएगा IG और कुछ पार्ट यहां पर जाएगा IS, और आगे दोनों मिल जाएंगे IG और IS, ये है जंक्शन, जंक्शन पे दोनों मिल जाएंगे और बाहर जाएगा करंट I। तो I is equals to Ig plus Is, where I is the total current measured by the ammeter, Ig is the total current through the galvanometer and Is is the total current or the amount of current through the shunt. लेकिन ये शंट ना इसकी मदद करता है और ये पैरेलल में है, बरोबर। और पैरेलल में क्यों रखा? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। क्यों भाई ऐसा? पैरेलल में ना दोनों, G और S ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और ओम्स लॉ के हिसाब से V होता है I इंटू R, तो Vg हो जाएगा Ig इंटू जी एंड Vs हो जाएगा Is इंटू S। इधर भी वही लिखते हैं, Vg हो जाएगा Ig इंटू जी, Is हो जाएगा Vs हो जाएगा Is इंटू S। अब एक काम करते हैं भैया, I क्या होता है? I होता है Ig प्लस Is। देखो मैं साइमल्टेनियसली दोनों कर रहा हूं ताकि और आसान हो जाए आपके लिए समझने के लिए। I होता है Ig प्लस Is। एक बार क्या करते हैं ना, Ig को सब्सटीट्यूट करते हैं I माइनस Is और एक बार करते हैं Is को सब्सटीट्यूट I माइनस Ig इन अबाव इक्वेशन रिस्पेक्टिवली, ये और ये इक्वेशन में। I is equals to Ig plus Is. This is according to Kirchhoff current law. The total current is the sum of current passing through the galvanometer, moving coil galvanometer plus the current passing through shunt. ये शंट का रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होता है, ये उसका दोस्त है। ये शंट लगाने की वजह से रेंज बहुत बढ़ जाती है, 10 गुना 20 गुना 200 गुना भी बढ़ सकती है। तो S is a shunt जिसका रेजिस्टेंस कम है, ऑलमोस्ट 95-98% ऑफ करंट यहाँ से जाता है और बाकी का बचा हुआ 5% यहाँ से जाता है और I क्या है? 100%। सो ये जो 100% है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, 5 और 95, और ये उसका दोस्त 95% लोड लेता है करंट का, इसलिए इसको डर नहीं क्योंकि ये नाजुक है, इसका रेजिस्टेंस कम है, ये जल सकता है लेकिन जलेगा नहीं। तो ये एक हमने युक्ति करी, ये हमने बुद्धि लगाई, ये हमने एक ट्रिक किया कि शंट लगा के इसका जो नेट इफेक्टिव रेंज है वो बढ़ा दिया। चलो इधर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो Ig की जगह पे लिखेंगे I माइनस Is इंटू G इज इक्वल्स टू Is। ये पहले पूरा कर देते हैं फिर उधर जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में I इंटू जी माइनस Is इंटू जी इज इक्वल्स टू Is इंटू एस। Is को उधर भेजो, सो I इंटू जी इज इक्वल्स टू Is इंटू जी प्लस Is इंटू एस। Is कॉमन, ब्रैकेट में आएगा S प्लस जी, दिस इज I इंटू जी। सो बताओ Is बाई I क्या आएगा? G अपॉन S प्लस जी। Is बाई Is इज अ फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट इज G अपॉन S प्लस जी, वेर S प्लस जी इज द ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू एड किया है, ठीक है। अभी यहां पर सब्स्टिट्यूट क्या करना है भाई? Is इज इक्वल्स टू I माइनस Ig, तो IgG को तो वैसे ही रहने देंगे, बाजू में क्या लिखेंगे? I माइनस Ig इंटू S। वापस ब्रैकेट अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा IgG, सो I इंटू S। समझ रहा है ना आपको? बस मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन है, Ig S सिंपल है बहुत। अभी Ig को यहां पर लाओ, तो IgG प्लस Ig S इज इक्वल्स टू Is। Ig को कॉमन लेने का, ये हो जाएगा S प्लस जी, ये हो जाएगा I इंटू एस। तो Ig बाई I क्या हो गया? S अपॉन S प्लस जी। That's it. So Is बाई I is a fraction of current passing through shunt, मतलब amount of current passing through shunt upon total current is G upon S plus G. Amount of total current passing through galvanometer Ig by I S upon S plus G. So Is by I G upon S plus G, Ig by I S upon S plus G। और अभी हमें अगर फाइंड करना हो शंट का वैल्यू, अभी ना शंट के लिए मैं एक बात बता दूं कि बड़ा वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय छोटा वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू n, और n है रेंज। n क्या है? रेंज, मतलब रेंज जो होती है वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाती है कभी जब शंट लगाता है तभी। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशन मिला था, हाँ ये रहा, ये जो है ना, इस एक्सप्रेशन को जरा रीयूज करते हैं। तो S क्या आ जाएगा, S आ जाएगा IgG अपॉन I माइनस IG, दैट्स इट। हमें IS में से कितना करंट पास हो रहा है वो नहीं पता, IS जाने दो, हमें पता है गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, हमें पता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG, और हमें पता है टोटल करंट I। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अभी क्या करो ना, IG से डिवाइड करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को IG से डिवाइड करो। सो भाई न्यूमरेटर का तो IG कट जाएगा, न्यूमरेटर का जो IG है वो कट जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, I बाय IG माइनस IG बाय IG। क्या किया भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने IG से डिवाइड किया, ठीक है। तो IG यहाँ पर कट, यहाँ पर हो गया I बाय IG, यहाँ पर हो गया 1। सो दिस इज G अपॉन I बाय IG को लिखेंगे N, एंड दिस इज 1। सो द वैल्यू ऑफ शंट इज G अपॉन N माइनस 1, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर एंड N इज अ रेंज, बड़ा करंट अपॉन छोटा करंट। हमेशा ऐसे याद रखने का, N is equals to बड़ा करंट अपॉन छोटा करंट, बड़ा वैल्यू ऑफ करंट अपॉन छोटा वैल्यू ऑफ करंट। N will be always greater than 1, N will be always greater than 1। रेंज है 200 गुना, 300 गुना, 250 गुना, 500 गुना, 10 गुना, 40 गुना के। पहले गैल्वेनोमीटर इतना मेजर कर पाता था, उसकी क्षमता उतनी थी, उसकी कैपेबिलिटी इतनी थी, लेकिन वो जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। वाई, बिकॉज ये शंट लगाने से मेजोरिटी ऑफ करंट वहां से पास होता है, इसका लोड पहले जितना था उतना ही रहता है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव कैपेसिटी जो है, इफेक्टिव रेंज जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जूम करके देखा है एमीटर में, तो ऐसा है, और ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एमीटर। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलम जगत, चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करो में हम अहमस्मि मंथन भट्टः, अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गैल्वानोमीटर है, और गैल्वानोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में से दो पार्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा, मैंने प्रीवियस दो सेशन में आपको पढ़ाया कि गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे, शंट लगाएंगे, और गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो बहुत ही हाई वैल्यू का होता है। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर करना है तो जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो पैरेलल में लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर करना है तो जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो सीरीज में लगाएंगे, लेकिन एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। मतलब एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट, पैरेलल टू द सर्किट अक्रॉस द टू पॉइंट्स एट विच वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान में रखो आप। तो ये जो हमने सीरीज में पैरेलल में लगाया है गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये जो हमने सीरीज में लगाया है गैल्वेनोमीटर के साथ, अभी क्वेश्चन आता है HSC बोर्ड में या तो MCQs में क्वेश्चन आता है कि टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, शंट फाइंड करो, या तो टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सीरीज रेजिस्टेंस दिया है गैल्वेनोमीटर का, फाइंड करो, वगैरह वगैरह। सो व्हाट टू डू, वेरी सिंपल, दिस टू रेजिस्टर आर इन सीरीज, राइट? सो हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, the value of equivalent resistance. So this is ammeter, so 1 upon R of ammeter is equals to 1 upon G plus 1 upon S. when you cross multiply it will be like S plus G divided by SG and inverse करेंगे, so resistance of ammeter is SG upon S plus G. Resistance of ammeter क्या होता है? SG upon S plus G. And if you talk about voltmeter, it's a bit simple. The resistance of galvanometer plus resistance of series में जो resistance लगा है वो, because RS is equals to R1 plus R2. सीरीज में equivalent resistance क्या होता है? R equivalent is equals to R1 plus R2. तो what is R equivalent resistance of voltmeter, which is equals to resistance of the galvanometer plus resistance of the resistor which is connected in series with the galvanometer so as to make it voltmeter. Fine. तो एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान में रखो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे. गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे. लेकिन एमीटर जो बन गया वो हमेशा सर्किट के सीरीज में, और वोल्टमीटर जो बन गया वो हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है. तो इतना आप ध्यान में रखो बहुत अच्छे से, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको ख्याल आएगा, वो जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप टैकल कर पाएंगे. ठीक है, तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया. सर्वेभ्यः नमस्कारोऽहम्. अहमस्मि मन्थनभट्टः. अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः. तो आज वोल्टमीटर के बारे में डिस्कस करना है. प्रीवियस सेशन में मैंने एमीटर के बारे में बताया था कि एमीटर जो है वो करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. Similarly, voltmeter is a device which we use to measure potential difference across any two points of the wire, right? तो ऐसा एक मिली वोल्ट मीटर है, ऐसे कुछ मार्किंग है, उसमें एरो होगा जो मूव होगा, मतलब ऐसा एक डब्बा है, बट उसको उसको जूम करके देखा जाए, मतलब ये एक्चुअली गैल्वेनोमीटर है ना, दिस इज MCG मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, जिसको हमें वोल्ट मीटर में बनाना है, या तो कोई ये वोल्ट मीटर है उसका रेंज बढ़ाना है, बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें. सो वी हैव दिस डब्बा विच इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस, वोल्ट में मेजर करेगा वो, तो उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है. इसको अगर जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि ये गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है G, और उसके साथ हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है, वो रेजिस्टेंस कितना है RS, और RS का वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू G. दिस इज वेरी हाई रेजिस्टर जो सीरीज में लगाया हुआ है. सो एज दे आर इन सीरीज, टोटल करंट कितना आएगा I, और जो टोटल करंट आएगा वही टोटल करंट जाएगा, जितना आता है उतना ही जाता है, जहाँ से आता है वहीं पे ही जाता है. तो दैट्स द नेचर ऑफ करंट, किर्चहॉफ करंट लॉ, राइट. अभी ये एज दे आर बोथ रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो इसका रेजिस्टेंस है G, इसका रेजिस्टेंस है RS, but the total potential is V. The capacity of measuring is V volt. ये जो वोल्टमीटर है V volt measure कर सकता है total. But this two resistor are in series and we know कि जब दो resistor series में होते हैं ना तो potential difference split हो जाता है, current same होता है, right? तो current देखो same है, लेकिन potential difference क्या हो जाएगा, split up हो जाएगा. तो इसके across जो potential difference होगा वो होगा VG, and इसके across जो potential difference होगा वो होगा V of RS. एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V. तो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस कि V इज इक्वल्स टू VG प्लस V ऑफ RS, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस व्हिच वी हैव कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर. व्हाई? टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, राइट. सो व्हाट इज V? V इज इक्वल्स टू IR. सो VG को क्या लिख सकता है? VG को लिख सकता है IG इंटू जी, वी जी को लिख सकते हैं आई जी इंटू जी, एंड वी आर एस को क्या लिख सकते हैं आई ऑफ आर एस इंटू क्या लिख सकते हैं उसका रेजिस्टेंस आई आर मतलब आर एस, दिस इज वी, मतलब वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर जो होता है, I इज करंट, R इज रेजिस्टर, तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का करंट और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, सीरीज रेजिस्टेंस तो सीरीज रेजिस्टेंस में ऐसे करंट और रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टर का। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो सीरीज में करंट सेम रहता है, I इज इक्वल्स टू आई जी इज इक्वल्स टू आई ऑफ आर एस, तो ये जो आई जी है, ये जो आई ऑफ आर एस है उसकी जगह पे सिर्फ आई ही लिखा जाए तो ये है वी इज इक्वल्स टू आई, बरोबर है, या तो आई जी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आई और आई जी सेम ही है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आई जी और आर कॉमन आ जाएगा, जी प्लस आर एस। आई होप यू आर गेटिंग इट, क्योंकि ये दोनों आई सेम है, क्यों सेम है, अरे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज राइट, सो ये दो रेजिस्टर सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो ये जो है वही ये है और कितना है, चलो आई है तो आई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा जी प्लस आर एस, इसको डिवाइड कर दो जरा तो आपको ऐसा मिल जाएगा वी बाई आई इज इक्वल्स टू जी प्लस आर एस, तो आर एस क्या हो जाएगा वी बाई आई माइनस जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सीरीज resistor which we should connect across the galvanometer in series so as to increase the range of the voltmeter, या तो galvanometer को voltmeter में बढ़ाने के लिए हम series में resistance apply करते हैं, कितना लगाते हैं, कितना apply करते हैं, इतना apply करते हैं V by I minus G। Usually ये I को हम IG लिखते हैं numerical में, क्योंकि numerical में दिया होता है full scale deflection of galvanometer, I भी लिख सकते हो IG भी लिख सकते हो, सेम ही है ना दोनों, हमने देखा। लेकिन सर आपने एमीटर में बताया था G upon n minus 1 करके, तो इधर भी कुछ ऐसा बताओ तो हमें समझे एन के टर्म्स में, देखो कैसा होगा, एन होता है बड़ा पोटेंशियल अपॉन छोटा पोटेंशियल वी बाई वी जी, एन जो होता है वो होता है वी डिवाइडेड बाई वी इंटू जी, तो अगर आर एस को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया तो वी को लिखो एन इंटू वी जी, वी को क्या लिखो एन इंटू वी जी, तो आर एस क्या हो जाएगा, देखो आर एस हो जाएगा V को क्या लिखेंगे भाई N इंटू वी जी होल डिवाइडेड बाई आई जी, सो आई जी माइनस जी, लेकिन V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब वी जी इज इक्वल्स टू आई जी जी, वी जी इज इक्वल्स टू आई जी जी, तो वी जी अपॉन आई जी जो है क्या हो जाएगा भाई Vg अपॉन Ig हो जाएगा G, Vg अपॉन Ig हो जाएगा G, तो इसको हम मिला के क्या लिखेंगे जी G, सो N इंटू जी माइनस ऑफ G, सो बताओ क्या हो जाएगा Rs, Rs हो जाएगा G कॉमन N माइनस 1, एंड दिस इज द टोटल रेजिस्टर विच वी शुड कनेक्ट इन सीरीज to the galvanometer so as to convert it into a voltmeter, or this is the value of resistor which we should connect in series with the voltmeter so as to increase its range, how much time, n times, where n is equals to बड़ा potential upon छोटा potential। एमीटर के न्यूमेरिकल में भी यही करना है, n को लेना है i upon ig, बड़ा करंट अपॉन छोटा करंट। वोल्टमीटर के न्यूमेरिकल में भी यही करेंगे, n को क्या लिखेंगे v by vg, बड़ा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय छोटा पोटेंशियल, और इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं अलग अलग ट्रिक भी बताऊंगा कि एन को शॉर्टकट से कैसे फाइंड किया जा सकता है अगर आईजी का वैल्यू दिया है तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो जैसे आपने पूछा था कि भाई सर ये कोई भी एक कंडक्टर हमें दिया है, समझो ये स्ट्रेट कंडक्टर है या तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर है, तो जैसे आपने पूछा था कि सर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए या तो करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो हम दो अलग अलग केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस में थंब और कर्ल्ड फिंगर जो है उसमें थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा और कर्ल्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे। और बाद में फर्स्ट केस होने के बाद हम सेकंड केस पे जाएंगे और यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स से वी हैव स्ट्रेट कंडक्टर, ये रिफिल है, उसको मैं स्ट्रेट कंडक्टर मान लेता हूँ और ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे करंट जा रहा है। सो ये जो राइट हैंड है मेरा, उसका ये जो थंब है, सो ये थंब को कहाँ पे रखेंगे? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर होगी ना, ये थंब कहाँ पर आ गया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया। तो अब ये जो कर्ल्ड फिंगर है मेरे राइट हैंड की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी ऐसे। ठीक है ना, अभी समझो इसको मैं ऐसे स्ट्रेट कर दूँ, अगर वर्टिकली अप कर दूँ तो थंब ऊपर चला जाएगा, थंब ऊपर चला जाएगा तो कर्ल्ड फिंगर ऐसे उसके आजू बाजू घूमेगी, बराबर है ना। कर्ल्ड फिंगर कैसे घूमेगी? उसके आजू बाजू ऐसे घूमेगी। तो कर्ल्ड फिंगर अगर ऐसे है तो कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट अगर कंसिडर किया तो उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आगे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पॉइंट अगर हमने कंसिडर किया तो उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस बाजू होगा। अगर ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो कर्ल्ड फिंगर यहाँ पर आती है तो टेंजेंशियल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अगर इसमें डायरेक्शन अगर बताना है तो ऐसे मैं इसके आजू बाजू ऐसे सर्कुलर फॉर्म बना सकता हूँ। ठीक है, तो समझो ये पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं तो ऐसे तरफ जाएगी, ये पॉइंट अगर कंसिडर करें तो यहाँ आएगी, ये पॉइंट अगर कंसिडर करे तो इसका टेंजेंट इधर होगा, ये पॉइंट कंसिडर करेगा तो टेंजेंट इधर होगा। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसके लिए? फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो जो एक्सप्लेन किया है उसको बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो देख के, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेकंड वाला केस देखेंगे। ठीक है। अभी फर्स्ट केस में, फर्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल से कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं वो देखा। अभी सेकंड केस में क्या है? कर्ल्ड फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समझो ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और ये जो कर्ल्ड फिंगर है राइट हैंड की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थंब कहाँ पर आएगा? ऐसे बाहर की तरफ आएगा। सो थंब रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो समझो मैं ऐसे रखता हूँ, प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे रखता हूँ और करंट अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। कर्ल्ड फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को, ठीक है, और थंब ऊपर जा रहा है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से। और थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? ऊपर। तो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे यहाँ पर एंड होगी। मतलब ये ऊपर वाला जो फेस है वो नॉर्थ है और नीचे वाला जो फेस है वो साउथ है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की जगह है, समझो क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है। क्लॉकवाइज करंट अगर है तो क्लॉकवाइज करंट है तो थंब नीचे जा रहा है, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके घूम के यहाँ पे आएगी। कैसे आएगी? यहाँ से स्टार्ट होके घूम के यहाँ पे आएगी। तो उस केस में नीचे वाला फेस जो होगा वो नॉर्थ होगा और टॉप फेस, ऊपर वाला फेस जो होगा वो साउथ होगा। तो इसमें भी हमने क्या यूज़ किया? राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया। तो ये राइट हैंड थंब रूल बहुत ही यूजफुल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। पहले केस में हमने इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए देखा था और सेकंड केस में हमने सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए देखा था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको कोई आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। So here we have a small charge q coulomb, and that small charge q is moving in an external magnetic field with velocity v along straight line with velocity v. So when this charge Q moves in an external magnetic field with velocity V, the force acting on a charge is given as QVB sine theta. But we must understand the terminological meaning of each physical quantity. That the Q is a charge which is moving, V is the velocity of the charge, and B is the magnitude of external magnetic field, and theta is angle between two vectors. One is the velocity of the charge and another one is the magnetic field vector. So F is equals to QVB sine theta is force acting on a charge moving with velocity V in an external magnetic field B.